in Gurugram, municipal sanitation workers, firemen and fire drivers of the fire department are on a two-day strike. The demonstration of the employees are on a two-day strike and have warned the government that if their demands are not met, the demonstration will be done on a bigger scale in the coming days. Demands were raised for a long time by the employees, but they failed to see any action. The dissolution of the Haryana Skill Employment Corporation confirmed raw employees. The appointment of 1,366 firemen train drivers into 1,268 approved posts, cancellation of the contract system and restoration of old pension were some of the demands by the employees. Inclusion of the fire department in the municipal corporation is also an important demand. In total, 19 demands were given to the government, but there has been no development towards resolving the issues and providing action on these demands. हम ये कह रहे हैं सरकार को कि जो आपने निगम कौशल रोजगार बनाया है उसमें कर्मचारी वर्ग का कोई भविष्य नहीं है। हम उसको कह रहे हैं तुरंत प्रभाव से भंग करो और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से पक्का करें, ठेकेदारी समाप्त करके उन कर्मचारियों को रोल पे ले और ठेकेदारी में जब तक कर्मचारी रहेगा या निगम कौशल रोजगार में रहेगा उसका कोई भविष्य नहीं है। तृतीय और फोर्थ क्लास के जो कैटेगरीज के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। दरअसल क्या है कि जो 24 मई और 17 अगस्त 2020 को हरियाणा सरकार और हमारे शीर्ष नेताओं के बीच वार्तालाप हुई उसमें मानी गई मांगे जो हरियाणा सरकार ने एक्सेप्ट की कि आपकी ये जायज़ मांगे हैं, इनके हम बहुत जल्द से जल्द परिपत्र जारी करेंगे, लेकिन किसी एक भी मांग का कोई परिपत्र जारी नहीं हुआ। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि मैं ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करूंगा और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए रेगुलेशन पॉलिसी भी बनाऊंगा, लेकिन कोई परिपत्र जारी नहीं हुआ। अभी 10 मई को हमारे शीर्ष नेताओं को फिर से, अब जो डॉक्टर कमल गुप्ता हैं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया और मीटिंग में बातचीत हुई। उन्होंने हमारे 19 सूत्रीय मांग को लेकर के विस्तार से चर्चा नहीं की, मात्र 8 मांगों पर उन्होंने चर्चा की और उन 8 मांगों पर समय का अभाव बताते हुए मंत्री महोदय ने अपनी एक तरफा मीटिंग को ख़त्म कर दिया, जिसका हमारे शीर्ष नेताओं ने विरोध किया और आज 2 दिन की हड़ताल है। और आज शाम के 4 बजे हमारे जो केंद्रीय कमेटी के नेता हैं वो आज मीटिंग है 1 बजे की और वो 2-2.5 बजे तक मीटिंग चलेगी। सभी पालिका परिषदों में 3-3.5 बजे तक मैसेज पहुंच जाएंगे कि आगामी क्या रणनीति है और ये रणनीति केंद्रीय कमेटी की मीटिंग होने के बाद ही तय होगी।